नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। राज्यसभा चुनाव के लिए आज उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हो रही है और खास बात यह है कि दोनों ही जगहों पर खेला हो गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ऐसी खबर आ रही है। यूपी में तो फिर भी क्रॉस वोटिंग समझ आती है क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में होने के बावजूद जिस तरह से पार्टी विधायकों के लिए क्रॉस वोटिंग करने की बात सामने आ रही है, वो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इन चुनावों का नतीजा क्या राजनीति पर असर डालेगा, जरा देखिए। राज्यसभा चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हमारे 8 के 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि तोड़ने का लहजा समाजवादी पार्टी का है। 8 तो बताया जा रहा है कि अभी तक क्रॉस वोट हो चुके हैं, संख्या कितनी है पहले ये बताइए और कारण क्या है? विकसित भारत के संकल्प के साथ माननीय मोदी जी ने जो राष्ट्र को नंबर 1 पर लाने के लिए मुहिम शुरू की है, बड़ी संख्या में सभी माननीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। हम कह सकते हैं कि 8 के 8 प्रत्याशी हमारे चुनाव जीत रहे हैं। शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसी तरीके से तोड़ेंगे लोगों को। मैं बताऊंगा आपको, ये उस प्रकार का जो लहजा है ये हमेशा समाजवादी पार्टी के लोगों ने उपयोग में धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र में भरोसा रखती है, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचिव मनोज पांडे भी आपके साथ आ गए हैं, रायबरेली माना जाए कि लोकसभा मजबूत कर लिया आप लोगों ने। आप इंतजार करें, बड़ी संख्या में माननीय विधायकों ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया है। जैसे जैसे समय आएगा आपको स्थितियां स्वतः पूरी बात पता चल जाएगी। ऑफर किया गया क्या उनको रायबरेली से? कंडीशन वेट करें, विकसित भारत का संकल्प मोदी जी का सभी लोग जुड़ रहे हैं और सबका मानना है कि उत्तर प्रदेश को, देश को सिर्फ मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। आखिरी सवाल सर, 8 ही हैं या और भी लोग हैं? अभी परिणाम आते ही मैं आपको बताऊंगा। बोलूंगा राज्यसभा चुनाव में अखिलेश का प्लान फेल, योगी और समाजवादी पार्टी सेठ ने कर दिया खेल। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में झटका, समाजवादी का तीसरा उम्मीदवार अटका। वही हुआ जिसका डर था, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ना हो इसके लिए अखिलेश यादव ने जबरदस्त घेराबंदी की थी। कल शाम समाजवादी पार्टी के विधायकों को मीटिंग पर बुलाया था। इस मीटिंग में ही ये संकेत मिल गए थे कि आज राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खेला हो सकता है और आज वही हुआ। सही तस्वीर तो नतीजे आने के बाद पता चलेगी, लेकिन सूत्रों से जो खबर आई है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये विधायक हैं राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य। अब अखिलेश भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनके घर में सेंध लग गई। यही वजह है कि अब वो उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जहां उनके मुताबिक बीजेपी ने चुनाव में जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया और चुनावी प्रक्रिया में छेड़छाड़ की। जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा जीतने के लिए, उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया और अधिकारी के माध्यम से, उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। महागठबंधन के 3 एमएलए बीजेपी के साथ बिहार में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, आरजेडी के 1 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां बिहार के महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। महागठबंधन के 3 एमएलए बीजेपी में शामिल हुए हैं,
कांग्रेस के दो और आरजेडी के एक विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये तब जब तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे में महागठबंधन के विधायकों का टूटकर बीजेपी में शामिल होना एक बड़ा झटका महागठबंधन के लिए। बिहार में कांग्रेस के दो विधायक हैं, आरजेडी का एक विधायक है, कुल मिलाकर तीन विधायक महागठबंधन से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस तरह की एक बड़ी खबर आ रही है और ये सब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, जब तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, माई और बाप की पार्टी बता रहे हैं, लेकिन माई और बाप की पार्टी में सबको शामिल करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और दो कांग्रेस के विधायक यहां बीजेपी में शामिल हुए हैं। यानी 2024 से पहले इंडिया अलायंस के न सिर्फ साथी भाग रहे हैं, बल्कि पार्टी के मौजूद अंदर विधायक भी अपना भविष्य यहां ठीक नहीं देख रहे हैं और बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तीन विधायक, दो कांग्रेस की तरफ से, एक आरजेडी की तरफ से बीजेपी में शामिल हुए हैं। जाहिर तौर पर इन विधायकों को अपनी सदस्यता छोड़नी होगी दल बदल कानून से बचने के लिए, लेकिन वो अपनी सदस्यता छोड़कर बीजेपी में आने के लिए तैयार है, यह समझा जा सकता है कि किस स्थिति में ये सारे विधायक आ रहे हैं। ये झटका इसलिए भी है क्योंकि इंडी अलायंस सिर्फ बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच ठीक ठाक चलता हुआ नजर आ रहा था, जहां कोई टकराव नहीं था और लग रहा था कि सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी, लेकिन वहीं एक झटका विधायकों ने दिया है, जिसमें कांग्रेस के आरजेडी की संगीता कुमारी बीजेपी में शामिल हुई हैं और कांग्रेस से मुरारी गौतम और सिद्धार्थ बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर तीन विधायक जिन्होंने तय किया कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, दो कांग्रेस के, एक आरजेडी के। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी पटना से सीधे जुड़ गए हैं। नीतीश, ये जो तीन विधायक हैं, किस किस विधानसभा से आते हैं और वो क्या परिस्थितियां बनी जो इन्होंने बीजेपी का दामन थामना उचित समझा? देखिए, ये तीन विधायक हैं जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इन तीनों को लेकर विधानसभा पहुंचे और इन सबों ने भगवा पट्टा रखा था और उसके बाद ही ये समझ में आया कि ये तीनों विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और इनमें से एक कांग्रेस के सिद्धार्थ हैं, ये वही सिद्धार्थ हैं जो जब हैदराबाद में कांग्रेस के विधायक एक जगह पहुंचे थे तो उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे और उस समय ये कयास लगाया जा रहा था कि जब पार्टी की ओर से ये कहा गया था हैदराबाद पहुंचने के लिए, आपको याद होगा जब बिहार में सरकार बदलने वाली थी, फ्लो टेस्ट होने वाला था, उसके ठीक पहले कांग्रेस के सारे विधायक हैदराबाद पहुंचे थे, लेकिन सिद्धार्थ जो कि पटना के विक्रम विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं वो नहीं पहुंचे थे। तो इसके बाद से ही इस बात की चर्चा थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और ठीक ऐसा ही हुआ, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इसके अलावा संगीता देवी हैं आरजेडी से, वो भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। इसके अलावा एक मुरारी गौतम है जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, जो एक दलित विधायक हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो आज एक बड़ा कह सकते हैं कि सियासी उलटफेर और महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है जब तीन विधायक शामिल हो गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि अब बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। बीजेपी इस घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है क्योंकि तीन विधायक जब शामिल हो गए हैं, सिर्फ एक का फासला था आरजेडी और बीजेपी में, तो ऐसे में आज जब तीन विधायक एक साथ शामिल हुए हैं तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। नीतीश, सवाल ये कि क्या इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा? ये बीजेपी में शामिल होने के लिए क्या सदस्यता से इस्तीफा देंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, इससे पहले हो रहा था, उस दौरान भी आरजेडी के विधायक चेतन आनंद, इसके अलावा अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, ये सभी जो है वो प्रोटेस्ट में उन्होंने पाला बदला था और उस समय भी इस बात की चर्चा थी कि क्या दल बदल कानून के तहत लागू होगा, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इसके बाद आरजेडी की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। और अब जो आज घटनाक्रम हुआ है, अब देखना ये है कि क्या आज कोई आरजेडी की तरफ से पहल होती है, क्या कोई इसमें शिकायत दर्ज कराई जाती है,
या नहीं कराई जाती। हालांकि फिर भी देखिए ये स्पीकर पर निर्भर करेगा, स्पीकर बीजेपी का है तो जाहिर है ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोई इसमें बहुत ज्यादा परेशानी शायद बीजेपी को महसूस नहीं होगी क्योंकि स्पीकर उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल नीतीश, आपको बता दे, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको एक खबर दोबारा बता देते हैं, बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है, 3 विधायक महागठबंधन के बीजेपी में शामिल हुए हैं, 2 विधायक कांग्रेस के हैं और 1 विधायकों को उड़ा के रखा था। बहुत स्पष्ट रूप से ये विषय है कि जब इस प्रकार के खेल होंगे तो लोगों में अपने नेतृत्व के प्रति आस्था खत्म होगी और यही कारण है कि आप तेजस्वी यादव और आप माननीय जो यहाँ राहुल बाबा घूम रहे थे उनके न्याय के प्रति जो यात्रा चल रही थी, जो पार्टी को नहीं जोड़ पाए, जो परिवार को नहीं जोड़ पाए, वो आज भारत जोड़ने निकले थे, उनको उनके विधायकों ने जवाब दिया। और कुछ भी तो नहीं क्या, और विधायक भी आपके संपर्क में है क्या? मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी जिस दिन आपने ट्वीट कराया था कि आज बहुत बड़ा खेला होगा, 17 विधायक है, वो कौन सा लोकतंत्र का खूबसूरती था? आज तो विधायक बिना विषय के, आज तो कोई यहाँ पर जनमत का कोई लोकतंत्र बहुमत तो हमारे पास है ही, उसके बावजूद भी विधायक अगर आपको छोड़ के आ रहे हैं और आपके गठबंधन को छोड़ के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार छिपा है उसका नतीजा है। अब भी अपने अंतरात्मा में जाइए और राजनीति के भैया, अभी तो ट्रेलर है, पूरा पिक्चर बाकी। आरजेडी करे की पैसा, एक मिनट भैया, एक मिनट विधायक जी, नितिन नवीन जी, ये लगातार आप लोग तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं, आरोप लग रहा है कि आप लोग पार्टी तोड़ रहे हैं। तो यही कहूँ, तोड़ फोड़ नहीं है, जिन्होंने खेला खेलने की बात की थी उनको खेला खिलाया जा रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने बहुमत को के आंकड़े को तोड़ने का प्रयास किया था आज उनके नेतृत्व के प्रति आस्था खत्म हो गई है। यही नतीजा है कि राहुल बाबा जो भारत जोड़ने निकले थे आज उनकी पार्टी उनसे जुड़ के नहीं रह पाई। तो आप सुन रहे थे, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि नेतृत्व के प्रति अविश्वास है, यही वजह है कि बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हुए हैं, महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला होगा तो आज बीजेपी की तरफ से कहा गया कि खिलाया जा रहा है, उन्होंने खेला का दावा किया था। नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, एक बार हमारे दर्शकों के लिए खबर बता दीजिए, किस तरीके से इन 3 विधायकों का महागठबंधन से अलग होना मायने रखता और क्या राजनीतिक संदेश देता है? जाहिर है, देखिए बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि जब से फ्लोर टेस्ट की परिस्थिति बनी थी, नीतीश कुमार ने पाला बदला, उसके बाद चूंकि बहुमत का जो आंकड़ा था सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहुत ज़्यादा का फासला नहीं था, उस समय से ही जब तेजस्वी यादव ने पहली बार कहा कि खेला होगा तो इसको लेकर काफ़ी चर्चाएँ शुरू होने लगी कि क्या तेजस्वी यादव कोई बड़ा उलटफेर करने वाले हैं, क्या बीजेपी के विधायक टूट जाएंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा, जब फ्लोर टेस्ट का दिन आया तो उस दिन आरजेडी के ही विधायक टूट गए और उसके बाद से ये चर्चा हो रही थी कि क्या और भी विधायक संपर्क में हैं, इस तरह की बातें कही जा रही थी। कांग्रेस के विधायकों के बारे में भी ये पहले से चर्चाएं थी कि कांग्रेस के विधायक भी टूट सकते हैं और आज जब 3 विधायकों की खबर आई, सम्राट चौधरी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम हैं, इसी रास्ते से यहाँ विधानसभा में पहुँचे और उनके साथ जो 3 लोग थे, जो 3 विधायक थे, उन लोगों ने भगवा पट्टा लगा रखा था और उसके बाद ही ये समझ में आया कि आखिर किस तरह से एक तैयारी जो पहले से थी वो आज सामने आई है। और ये 3 विधायक जिसमें से 2 कांग्रेस के हैं और 1 जो हैं वो आरजेडी की महिला विधायक हैं और ये 3 बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो जाहिर है अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है बिहार में। बीजेपी जो है अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, सिर्फ 1 का फासला था आरजेडी से और जाहिर है ये फासला खत्म हो गया, बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी होगी। अब ये देखना है कि आरजेडी की तरफ से लेकर इसको लेकर क्या दल बदल कानून को आधार बनाते हुए कोई कार्रवाई की मांग की जाती है या नहीं की जाती है, क्योंकि इससे पहले जब फ्लोर टेस्ट का दिन था, जब आरजेडी के विधायकों ने पाला बदला था तो उसको लेकर आरजेडी ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, जाहिर है उसके बाद कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब क्या आरजेडी की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई की मांग होती है या नहीं होती है ये देखना होगा। नीतीश, सवाल ये है कि क्या ये आंकड़ा सिर्फ 3 पर रुकेगा या आगे बढ़ने की संभावना है? पहले चेतन आनंद और अब ये 3 विधायक, दल बदल की अभी तक कोई कार्रवाई के संकेत नहीं, तो क्या ये आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है लोकसभा चुनाव से पहले?
जी हाँ बिल्कुल, ये आंकड़ा बढ़ सकता है और पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चाएं रही और हमारे सूत्र भी कुछ इस तरह के संकेत दे रहे थे जिसके आधार पर ये लग रहा था कि इस तरह से कोशिशें जो चल रही हैं, और जाहिर है आरजेडी के जो विधायक हैं वो इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। बीजेपी के विधायक हैं संजय सिंह जी, ये बताइए कि ये पहले से तैयारी थी, कुछ और लोग भी संपर्क में हैं, क्या है? देखिए संपर्क में नहीं, लोगों की आत्मा जगी है। जिस तरीके से बिहार के अंदर पैसों के बल पर लोकतंत्र की हत्या करके सरकार गिराने का प्रयास हुआ, तो जिन विधायकों को लगता है कि नहीं ये आरजेडी के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं एनडीए के साथ जाने से बिहार के विकास के साथ हम होंगे, बिहार की प्रगति के साथ होंगे और वो हम लोगों के साथ। इन लोगों ने आपसे संपर्क किया या आप लोगों ने किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को कहें अंजाम? ऑपरेशन नहीं, उन्हीं लोगों ने प्रस्ताव भेजा कि भाई हम लोग तो आत्मा हमारी आपके साथ है, हमको रहना चाहते हैं, तो हम लोगों ने कहा स्वागत है, आइए। और भी लोग संपर्क में हैं, आने वाले दिनों में और भी लोग आ सकते हैं। लोगों के जिन जिन की आत्मा जगेगी कि बिहार में विकास के साथ हमको रहना चाहिए, वो सब लोग। हम बदल कानून जो है उसको लेकर यदि आरजेडी की तरफ से शिकायत दर्ज की जाती है तो फिर उनके लिए मुश्किलें भी होंगी। जो विधायक आए हैं वो सब सोच समझ के आए हैं, उनकी आत्मा जगी है तो आत्मा की आवाज जी, के सामने विधायक आए हैं, सोच समझ के आए हैं, अंतरात्मा की आवाज सुनकर आए हैं और आज की शब्द यह है कि अंतरात्मा की आवाज। नीतीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखें, जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपके पास लौटेंगे।